ओम शांति। आज 30 मई 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे वारिस बनना अर्थात बाप के ऊपर पूरा पूरा वारी जाना, अर्थात जीते जी मर जाना, नष्ट मोहा बनना और बाप को पूरा पूरा फॉलो करना, तभी कहेंगे कि हाँ वारिस है। साथ ही साथ बाबा कहे, बच्चे पाप से बचने के लिए अपने तन मन धन को संपूर्ण रीति बाप पर स्वाहा कर दो और फिर ट्रस्टी होकर के संभालो। तुम बच्चे अपनी कमाई को पाप के खाते के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। बाबा कहे, नहीं तो उसका भी बोझा स्वयं पर आ जाता है, इसीलिए जितना हो सके पैसा है तो उसके द्वारा हॉस्पिटल खोलो, कम यूनिवर्सिटी खोलो, अनेक आत्माओं का जहां कल्याण होता हो उसमें उस पैसे को यूज करो। बाकी पाप के कार्य के लिए यूज करेंगे तो उससे पाप का हिस्सेदार बन जाएंगे। तो सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्ट मोहा बनो, साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। आज की मुरली से प्रश्न है, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? उत्तर, पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो, कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते, पाप आत्मा को दान देना यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है, इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे व सिकिलधे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी, बाप ने समझाया है, भारत ही पापात्मा, भारत ही पुण्यात्मा कहलाता है, भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग, शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग, शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो, तुम्हारे आगे मिसाल भी है। यह ब्रह्मा, यह बाप यानी ब्रह्मा बाबा निमित्त बना है, क्योंकि समझते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। ब्रह्मा बाबा निमित्त है और ब्रह्मा बाबा के मन में हमेशा ये बात रहती थी, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। तो बाप कहते हैं, इनसे मैं ऐसा कर्म कराता हूं जो स्वर्ग में यह नंबर वन बन जाते हैं। यह तन मन धन सब देकर फौरन नष्ट मोहा बन गए। बाबा कहे, यह तन मन धन सब देकर फौरन नष्ट मोहा बन गए। अपने बच्चों को वारिस न बनाए
इन्हीं माताओं को बना दिया। बाबा ने अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर दिया और धन में से एक पाई भी अपने लौकिक बच्चों को नहीं दिया। और 8 माताओं का ट्रस्ट बना करके बाबा ने सब कुछ उस ट्रस्ट में स्वाहा कर दिया। इसीलिए बाबा कहे, अपने बच्चों को वारिस न बनाए, इन्हीं माताओं को बना दिया, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला, ये सब कुछ आप माताओं के चरणों में है, तुम वारिस बन जाओ। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया, हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म गाते आए हैं, वारी जाऊं मैं तेरे तुझ पर। तो बाबा याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म गाते आए हैं, वारी जाऊं, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूं। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया, बस मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। नहीं तो बच्चों आदि से मोह होता है ना, परंतु एकदम उनसे दिल टूट, बाप से दिल लग गई। ब्रह्मा बाबा ने अपने दिल एक बाप से लगा दी। बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े, परंतु बाप तो दाता है, वह कब लेता नहीं है। एक और बाबा को देना भी है, लेकिन बाबा कहे, मैं तो दाता हूं, मैं कभी लेता नहीं। शिव बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो। तो ये माता गुरु बन जाती है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, पहले माता, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो पहले माता, सतयुग में भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण। जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है, उन्हों की संभाल करनी है। बिचारी अब लाए हैं, तुम सब इस समय ज्ञान नदियां हो। बाबा कहे, इस समय तुम सब ज्ञान नदियां हो। ब्रह्मपुत्रा नदी का छोर यानी किनारा सागर में होता है। ब्रह्मपुत्रा इतनी लंबी नदी, लेकिन अंत में जाए समुद्र में मिल जाती है। तो इसीलिए बाबा कहे, ब्रह्मपुत्र नदी का छोर किनारा सागर में होता है। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्र नदी है, शिव जयंती वहां भारी मेला लगता है। शिव जयंती पर वहां भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं, गंगा सागर कह करके वहां स्नान करते हैं। वहां जाकर सब स्नान करते हैं। शिव बाबा है ज्ञान सागर और ये ब्रह्मा है नदी। अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर, परंतु ये सब है ज्ञान की बातें। ज्ञान सागर से तुम निकले हो, ज्ञान स्नान से ही सबका कल्याण होना है, पानी की बात नहीं है। ये ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा है, ब्रह्मा बाबा ही ब्रह्मपुत्रा है, शिव बाबा की संतान। तीर्थों का राज भी तुम समझते हो। हम बुद्धि योग की यात्रा पर है, बुद्धि योग लगाते हैं परमपिता परमात्मा के साथ। बाबा कहे, बुद्धि योग लगाते हैं परमपिता परमात्मा के साथ। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं, बाप के साथ बुद्धि योग रहता ही नहीं। इतना माथा मारते, अनेक मंदिरों में जाते, देवताओं के पास जाते, तो बाप के साथ बुद्धि योग रहता ही नहीं। बाप भी कहते हैं, मैं एक ही बार आकर मत देता हूं,
कि मेरे साथ योग लगाओ, ऐसा और कोई कह न सके। ज्ञान सागर बाप ही सुख का सागर, आनंद का सागर, हर एक की महिमा अलग अलग है। ऊंचते ऊंच भगवान वह पतित पावन है, वह एक है। वह पतित दुनिया को पावन बनाने का पाठ बजा रहे हैं। खुद भी कहते हैं, कल्प कल्प आकर सबको तीर्थ पर ले जाता हूं। सब भक्त पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए मुक्ति के लिए। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं। वह तो समझते हैं सुख कागविष्टा समान है, एक पाई का सुख है, बाकी है दुख। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होगा। बाप ने समझाया है वह निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी का हद का सन्यास है। वह निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी का हद का सन्यास है, यह है सतोगुणी बेहद का सन्यास। हमको तो सारी छीछी सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है। हम देवता बनते हैं ना, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं। अभी तो है बेहद की बात, बाबा कहे इस समय है बेहद की बात। सारी दुनिया की सफाई होनी है। पांच तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं, वहां तो नंबर वन वैभव रहते हैं। फूल आदि ऐसे होते हैं जो घर बैठे भी सुगंध आती है, इतनी महक सारे वातावरण के अंदर छा जाती है। इत्र आदि भी लगाने की दरकार नहीं रहती है, अगरबत्ती की दरकार नहीं रहती, नेचुरल खुशबू रहती है। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। परम पिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना उच्च बनाते हैं तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए। प्रॉमिस करनी चाहिए कि बाबा हम नष्ट मोहा हो आपसे योग लगाएंगे, ये प्रॉमिस करनी चाहिए। आपको ही वारिस बनाएंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है तो कमाई का ओना होना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप ही करेंगे। अभी बाप के पास बलि चढ़ने से तुम मेरी मत पर चलेंगे, बाबा कहे अभी बाप के पास बलि चढ़ने से ही तुम मेरी मत पर चलेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है। वैसे भी दुनिया में कहावत है कि दान करो तो भी पात्र को देखकर दान करो, तो बाबा कहे धन हमेशा पात्र को दिया जाता है। अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है, अर्थात जिसने दिया उस पर उस पाप का दोष आ जाता है। कपूत बच्चे को दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। वो जो कर्म करेगा पाप का, वो बाबा कहे तुम्हारे ऊपर भी बोझा चढ़ जाएगा। इसलिए हिसाब किताब चुप तो करो, बढ़ाओ नहीं। इतनी सुंदर बाबा कर्म की गुह्य गति समझाते हैं कि हिसाब किताब चुप तो करना है, बढ़ाना नहीं। सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे इसको देने के लिए, नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। कन्या को तो देना ही पड़े। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, स्वर्ग में नहीं चलती, नरक में ही गोता खाना चाहती है, नरक में ही गोता खाना चाहती है तो क्या कर सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी छोटे बड़े सबका मौत है। तो इतना डाउन टू अर्थ बाबा समझाते कि अगर कन्या नहीं चलती है तो नेचुरल है उसकी शादी करनी ही पड़ती है, और शादी करके फिर फ्री हो जाओ। यह यादव कौरव अपना प्लान बना रहे हैं, पांडवों का फिर अपना प्लान है। जीत तो पांडवों की ही है ना, स्थूल लड़ाई की बात ही नहीं, यहां तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हैं उन सबको भूल जाओ,
नए सिर यहां बैठ पढ़ो, ये ज्ञान की पढ़ाई पढ़ो। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे तो वह सब कुछ भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो, बाप कहते हैं अब तुम हमारे बन हमसे सीखो। बाप कहते अब तुम हमारे बन हमसे सीखो। अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनमें छोटे भी है बूढ़े भी है, सबको बच्चा बना देते हैं। बाबा हर एक को अपना बच्चा बना देते हैं, फिर श्रीमत देते हैं। बच्चे अभी तक जो कुछ सुना है वो भूलते जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, कोई मनुष्य की बात नहीं सुनो। मनुष्य जो कुछ करेंगे सो अनराइटियस, रॉन्ग करेंगे। सबसे बुरा है कौन सी बात? सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अरे बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लेंगे? फिर तो सब बाप हो गए। शिवोहम तत्त्वम कह देने से वर्षे की बात नहीं ठहरती। सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं। पतित कौन बनाते हैं? रावण की मत पर चलने वाले पतित बनाते। इसलिए बाप कहते हैं इन सबको भूलो। रावण की मत पर चलने से पतित बनते हैं, इसलिए बाप कहते हैं इन सबको भूलो। मां में कम याद करो। आप मरे मर गई दुनिया, प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कब्रिस्तान बनना ही है, फिर परिस्तान बनना है। बॉम्ब्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा अब कितना नया बन गया है। तो अब सारा भारत खास, दुनिया आम, कब्रिस्तान होनी है। समझो सब मरे पड़े हैं। अब परिस्तान वैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे समझते हैं, क्या समझते हैं? अब बाप दादा आए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना है, नहीं। परमपिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं कि मैं आया हूं पतित दुनिया को पावन बनाने, तो मुझे कितने रूप धारण करने होते हैं। बाबा आए ही है पतित दुनिया को पावन बनाने, तो बाबा को कितने रूप धारण करने होते हैं। बहुतों की ज्योति जगाता हूं, मेरे साथ योग लगाओ। ये पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी। दीवा बुझने लगता है तो उसमें दृत डालते हैं। बाबा कहते हैं अब पूरा योग लगाओ। यह तो जानते हो बाप इस ब्रह्मा के तन से हमको पढ़ाने आए हैं। भगवान वाच, भगवान क्या कहते हैं? बच्चे मुझे याद करो। भगवान क्या कहते? बच्चे मुझे याद करो। मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है, छोटे बड़े सबका मौत है। यह है मृत्यु लोक, मैं अमरनाथ आया हूं अमर कथा सुनाने। तुम पार्वतियां अथवा सीताएं हो, सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में पड़ी है। बाप आकर अशोक वाटिका में ले जाते हैं। बाबा के समय सब शोक वाटिका में है, बाप आकर के अशोक वाटिका में ले जाते हैं। वहां कोई शोक रहता नहीं। अभी तुम बच्चों को रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पुण्य कैसा होता है, पाप कैसा होता है, ये सब तुम जानते हो। योग टूटा तो माया पाप करा देंगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है। इसीलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं,
मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं। बाप कहते, मैं आया हूं तुमको शिक्षा देने। तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो, जानता हूं तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो। अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूं, सगे और सौतेले का राज भी समझाया है। सगे पर बाप का ध्यान रहता है, सगे राजाई का वर्षा लेंगे, लगे प्रजा का वर्षा लेंगे। इतनी सारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, तुम राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहली पहली बात है पवित्रता की। विकार का विकल्प आया तो कर्मेंद्रिय से नहीं करना चाहिए, क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे भरेंगे? जिनमें 5 विकार है उनको बंदर कहा जाता है। बाबा ने बंदर के बदले अपने नलिनी बच्ची का फोटो डाला है। टॉक नो इविल, सी नो इविल का चित्र है। उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोल कर दिया। नलिनी दीदी को लौकिक बाप ने सेंटर खोल कर दिया। जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलिनी को दे दिया। जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया, वैसे इसने, यानी काकू भाई सामने बैठे होंगे, उसको दिखा करके बाबा कहते हैं, वैसे इसने, काकू भाई ने अपनी बच्ची को दे दिया। समझा, यह भी कन्या है, क्यों ना इनसे शुभ कार्य कराऊं। बच्ची ने कहा, मैं शादी नहीं करूंगी, वह पैसा इस कार्य में लगा दो, मैं पतित दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। भल बच्चे भी है, लेकिन वारिस बच्ची को बना दिया। काकू भाई ने भी वारिस बच्ची को बना दिया। उनका कितना उच्च पद हो जाएगा, बहुत ऊंचा पद पाएंगे, बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएंगी, क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खुला है। इस समय मनुष्य की चलन ही ऐसी है जो सब पाप में लगा देते हैं। पाप करते और कराते रहते हैं, पाप आत्मा बन पड़े हैं। अब बाबा कहते, बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। अंत में वह अवस्था रहे, सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं, बस ऐसा कह शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते हैं, फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है। यह बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं, अनुभव भी होता है। बाप कहते, तुम बच्चे हो कौन? तुम बच्चे हो सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगाएं। गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है, नाम रख दिया है गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावन हो नहीं सकती, न देवताएं पतित पावन है, पतित पावन तो ब्राह्मण है। उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया है। देवताएं तो पतितों को पावन बनाते नहीं, मनुष्य को यह ज्ञान नहीं जो कोई से पूछ सके, कहां वह पानी की नदी, कहां ये देवताएं। इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हैं। तुम्हारी सर्विस है मनुष्य को देवता बनाना। यहां आत्मा पवित्र बन जाती है, आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए, आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए। बाप आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली से। पहली पॉइंट, अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्मेंद्रिय से कोई भी कर्म नहीं करना है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट, जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, फॉलो फादर कर। नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। फॉलो फादर कर। नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहां बाप को फॉलो करेंगे, उतना वहां नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहां साथ रहते हैं। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। तो दिल से सदा ये अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी है और अनेक बार बनते रहेंगे। आज का स्लोगन है, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली है। सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली है। अच्छा, ओम शांति।